2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बना बनाकर, झूठे आरोप लगा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आ। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा, 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती।
हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आपने जैसे कहा कई बड़े नेता जेल जा रहे हैं, बीजेपी का भी यही आरोप है कि सारे बड़े नेता जेल ही जा रहे हैं। आप लोग अनुराग ठाकुर का एक बयान, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे उनके सभी नेता आज जेल में, कैबिनेट आदि से ज्यादा जेल में। देखिए, ये तो मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर ये धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का और जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है। वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या केस है, क्या प्रूफ है? तो साफ दिखता है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए कर रही है। कल जब आप आए तो आपने कहा था कि अभी कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा नहीं है, 338 करोड़ की बात उस कोर्ट ऑर्डर में कही गई है। अब आप उस पूरे ऑर्डर को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल आप लोगों की पार्टी पर जमानत ना देते हुए खड़ा किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कल, अगर उस ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए तो एक एक करके जो सारे आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया जी पर लगाए वो सारे आरोप इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक एक करके खारिज किए हैं। ईडी ने जब इस केस को आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया जी को 2 करोड़ की रिश्वत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस आरोप को खारिज कर दिया। उसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 45 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी लॉन्डरिंग करी और गोवा के चुनाव में खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने तीसरा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को भी, 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप को भी अपने इस आदेश में खारिज कर दिया है। तो जो सारे आरोप ईडी ने लगाए हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए हैं कल के ऑर्डर। दूसरी बात, जिस 338 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ लिकर होलसेलर्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के पास या मनीष सिसोदिया जी के पास आए हैं या किसी भी प्रकार का क्विड प्रो क्वो या लेन देन हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इस ऑर्डर में जो जो आरोप ईडी ने लगाए थे उनको खारिज किया गया है, और जो 338 करोड़ की बात हुई है
उसमें भी आरोप मनीष सिसोदिया पर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दिखता है। फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास सब ऑर्डर भी है और आप कह रहे हैं कि सारी चीजें आपके फेवरेबल भी हैं, जमानत फिर भी नहीं दी गई, तो अब आगे क्या? देखिए, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट है PMLA, ये एक साधन बन गया है, एक तरीका बन गया है, बिना किसी भ्रष्टाचार को साबित किया आप जेल में डाल सकते हैं किसी को, आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो BJP का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे TMC का हो, चाहे DMK का हो, उसको जेल में डालो, लेकिन सबूत दिखाकर जेल में डालो। PMLA के माध्यम से, जो PMLA का सेक्शन 45 है, वो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ आरोप साबित हुए ED को एक माध्यम देता है किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का और जेल में रखने का। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो ED के हाथ में हथियार हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो बिना ट्रायल के, बिना आरोप साबित हुए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकता है। इसीलिए जो कल का ऑर्डर आया है उसमें इतना कुछ खारिज होने के बावजूद बेल नहीं मिली है, क्योंकि ED के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि उन्हें अपने आरोप साबित करने की जरूरत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एंडलेसली एड इन्फिनिटम आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने ED को भी आदेश दिया है कि इस ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक ट्रायल नहीं होता है, जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, तो आप किसी को भी ऐसे बंधक बना के नहीं रख सकते। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोप साबित करने की जो प्रक्रिया, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, अगर वो डिले होती है, तो फिर से जमानत की याचिका मनीष सिसोदिया जी फाइल कर सकते हैं। अतिशी जी, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 तारीख के समन को एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से सबके सवालों का जवाब देने को तैयार है। आज समस्या ये है कि आज सवालों के जवाब नहीं ढूंढे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, वो सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए समन नहीं किया गया है, उनको गिरफ्तार करने के लिए समन किया गया है।